उस वक्त वो कहते हैं ब्याज ही मुल्क फलां हो जाएगा 2015 में क्या अंग्रेज ये बोल रहे हैं मतलब ये मोदी ये बोल रहे हैं अल्लाह ताला की फजल से मियां नवाज शरीफ की ये मेहनत है उस शख्स की ये शरीफ आदमी है मतलब मुजाहिद है वो शख्स उसकी वजह से उसकी मेहनत की वजह से आज अल्लाह की फजल यहाँ मुल हुआ है और आपने देखा है कि चंद दिन की बात है उम्मत खत्म हुई निगरान पहुंचे हैं आज दो धमाके हुए एक शाद में धमाका हुआ एक बलोचिस्तान में और बड़ी कीमती जाने जाया हुआ और एक अपन रानी साहब जिला अभी साहब पर रह चुके हैं शाद के अभी मारे वजीद थे इधर उनकी जो काफिला था उसको हमला हुआ दूसरा हमला बलोचिस्तान में अब ये जब कमजोर लोग आएंगे ये जब बेईमान लोग आएंगे जब ये करप्ट लोग आएंगे इनको पता नहीं है कि हमने इस मुल्क को चलाना है ये जानबदार लोग आएंगे कि एक पार्टी को आगे ले जाने की बात करते हैं तो फिर इसी तरह होगा हमें ईमानदारी से हमने उस नासूर को ख़त्म करना है जो हमारे मुल्क के खिलाफ है हमने सी पैक का मनसूबा यहाँ पर बनाया है मियां नवाज शरीफ ने और अल्लाह ताला से बरकत डाली है बहुत सारी सड़कें बन चुकी हैं मोटर वे बनाई हैं आप किस शहर में मर्जी चले जाए शाद में जाके देखें इंसाफ के साथ पीजीआई वाले से आके देखें पिशावर शहर सराद सूबे का दर खिलाफा है किसी को यह बात छुपी लुकी नहीं है सारा शहर खंडरात बना हुआ है बिल्कुल आप पिंडी शहर को देख रहे हैं मेट्रो बस और यह जो मरी रोड जाती है हमें कमर्शियल मार्केट जाते हुए एक घंटा में लगता था अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस रोड पर ट्रैवल ना हुआ आप लाहौर चले जाएं तो वहाँ पर मैं पिछले साल गया 11 पुल बने हुए ठोकर में आज बेचने शुरू हो गए एयरपोर्ट तक कोई इशारा ही नहीं है आप फैसलाबाद चले जाएं सैयदाबाद से लेके अब्दुल्ला पर उसका कोई इशारा नहीं 10 मिनट में बंदा ये सारा सफर तय है आप मुल्तान चले जाए वहाँ मेट्रो बस बनी है आप किसी पंजाब के किसी शहर में फसल अगर आप चपाल चले जाए रोडें देखें और किस तरह उन्होंने तरक्की की है इस तरह से तरक्की होती है मेहनत बिजली जो है वो आपके सामने थी 18 घंटे 20 घंटे इस वक्त एक पंजाब में मैं रात को गया ईद के 2 दिन के बाद रात को बिजली गई है 11 बजे और दिन को मैंने उनको पूछा कितने बजे आएगी उन्होंने कहा कोई पता नहीं सुबह बिजली आई है 11 बजे रात सारे लोग वहाँ जाते रहते हैं दिल्ली में अल्लाह ताला की मेहरबानी से शख्स ही मेहनत उसने मेहनत करके 11,000 बनाई है और इनमें शामिल किया आज हमारे इलाके में हमने बाकी इलाकों के हम तसली नहीं दे सकते हमारे एरिए में एक मिनट की नौ शक्ल नहीं है और जब तक ये इस शख्स की मेहनत है उसको जेल में डाल रहे हो कुछ शर्म याद करो यार कहाँ से करप्शन किया उससे जज ने लिखा करप्शन नहीं हुई अब आप एक आदमी है ये घर बनाता है तो घर का उसके पास उसका मकान है उसका घर आप उससे पूछते हैं यार घर तुम नहीं देते वहाँ से बनाया वो कहता है जी मेरी अपनी जगह है बना दिया अब गवर्नमेंट का जो अपनी जगह धारा होता है उसको काम भी उठा के देखना यार अपनी जगह बनाया कि नहीं बनाया ये गवर्नमेंट का काम है देखना ये जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है हम और छोटे लोग हैं बात करने में कोई शर्म आ रही है जब इमरान खान साहब बैठे हुए हैं इन्होंने जय लिखा और जब ग्रेजुएट कौंसल के इस शख्स को तो कानून की पता नहीं कोई शर्म आती है वो जय लिखा और जमा करा के वो बैठा और जज साहब ने कहा ये ठीक है और मरियम ने क्या कसूर किया उसका कहता है ये जेल ये 7 साल खड़ा हो